की हालत कुछ ऐसी है, मैं अपना वार्डरोब दिखा देती हूँ। अब इसको नहीं सब इसकी सबकी सफाई करनी है। पूरा ये पूरा ना कंजेस्टेड हो रखा है, ये देखो ऊपर से नीचे पे पूरा रूम पूरा झाला वगैरह भी लगा है, तो रूम के अंदर में सफाई करूंगी। हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ जी, और सबसे पहले आप लोगों को कह दें हैप्पी दिवाली, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली की सफाई सब कोई कर रहे हैं। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं हॉस्टल में, इन हॉस्टल नॉट माय होम, तो मैं अपने हॉस्टल के रूम की सफाई करने वाली हूँ। वॉटर की कुछ हालत ऐसी हो चुकी है, पूरे मैसी हो गए हुए क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और पेपर के दरमियान ऐसी हालत हो गई है। मैं बेड से उठी हूँ और डायरेक्टली सफाई पे जुड़ गई क्योंकि मुझे सफाई करनी है और कल मेरी ट्रेन है तो घर जाना ऑब्वियसली। तो बातें करते करते मैं फटाक सफाई करूँगी, लेकिन अगर मैं बातें करती हूँ सफाई की ना तो बात ये हो जाएगा कि बहुत ये पी यू लगे। तो कुछ ये साफ हो गया हुआ है, बस सब कुछ कुछ बाकी है। और इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और इसके बाद मैं काम करूँगी क्योंकि लेट हो जाता है ब्रेकफास्ट। यहाँ पे 9:30 तक 9:30 तक ही मिलती है, उसके बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है। तो मैं जाके ब्रेकफास्ट कर ली हूँ, उसके बाद मैंने वार्डरोब मेरा ये देखो पूरी तरह से एडजस्ट हो गया अच्छे से। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मेरे वार्डरोब में अच्छे से एडजस्ट हो गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन सबको करने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, यानी फिर झाड़ू लगाऊंगी आपके पार्टनर में कुछ कपड़े हैं। पूरा ना ऊपर झोल लगा हुआ है, फैन को भी आप देख सकते हैं इतना गंदा है, कौन साफ करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं ना स्वीप खोल लेती हूँ, ओके डन, मेरा रूम साफ हो जाएगा, वैसे पूरा क्लीन हो जाएगा। मुझे तो फाइनली मेरी सफाई हो गई डन और मैं बन गई काम वाली बाई। बाई नहीं आई, कैसी होगी ये सफाई, बट हो गई है, मैं काम वाली बाई बन के सफाई कर चुकी हूँ, पूरे डन हो चुके हैं। बालकनी भी मैंने साफ कर लिया है, कपड़े भी मैंने धो लिया है, कपड़ों को वॉश कर लिया और साथ में मेरा बच गया ये देखो, देख सकते हैं मेरे रूम को, डिंग 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 डिंग, ओह माय गॉड, ये मेरा तो सामान है, मैंने अपना लगेज अच्छे से संभाल लिया है, क्योंकि नहाना है एंड देन मुझे भी साफ़ हो जाना है, क्योंकि घर की सफाई करते करते ये नहीं बोलना है कि मुझे खुद की सफाई भी करनी है, यानी खुद भी साफ़ होना है। तो चलो हम चलते हैं और इसके बाद नहीं मिलेंगे क्योंकि अब घर की सफाई हो गई, मैं खुद साफ हो जाऊंगी, देन अब मुझे कुछ काम करनी है, तो अब नहीं मिलेंगे। इतना ही आज के लिए, बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। मैं ऐसी से कल मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर की हूँ, सो एक लाइक काम वाली बाई की तरह लिए के लिए तो बनता है, तो एक का लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब आप लोग नहीं मुझे इतना मोटिवेट करते हो, ना लाइक्स करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो, तो इंसान का जो मोटिवेशन है ना डाउन होने लगता है, तो शायद मेरा भी मोटिवेशन डाउन होने लगता है। मैं सोचती हूँ यार क्या ब्लॉगिंग करना, कोई फ़ायदा नहीं है। और
अगर आप लोग को लगता है कि मैं कुछ अलग कंटेंट दे सकती हूँ, मुझे क्या कंटेंट देना चाहिए, तो भाई मुझे आप सजेस्ट करो कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए जो ज़्यादा खूबसूरत हो, ज़्यादा अट्रैक्ट करे लोगों को, क्योंकि आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैंने पहले भी बता चुका है, बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि मुझे हर चीज़ की जानकारी होगी, ऑल इन वन मैं नहीं हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी को शेयर करूं, और आप लोगों को किस तरह से मैं अपनी लाइफ को अभी लेके चल रही हूं। और आई होप सो अगर कुछ अच्छा हुआ तो ये भी जर्नी आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगी, और ये भी आप बताओगे कि स्ट्रगल के साथ कैसे इंसान ऊंचाई तक पहुंचता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अचानक से हायर लेवल तक नहीं पहुँचता है, उसकी ज़मीनी सच्चाई कुछ और होती है। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही है, बहुत कर लिए बातें, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, फिर मिलते हैं दिवाली के ब्लॉग के साथ, वो भी शायद मैं शेयर करूँ या ना करूँ कोई पता नहीं है, बिकॉज दिवाली के ब्लॉग में ये हो जाता है ना कि मैं कर नहीं पाती हूँ सूट, क्योंकि घर पे काम हो जाते हैं और यहाँ रहती हूँ तो भाई निठल्ले की तरह रहते हैं, यहाँ कोई काम नहीं रहता है, तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, बट यार घर पर नॉट पॉसिबल कि मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी या नहीं। सो चलो।